आप सबों को सर्वप्रथम आप सबों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 492वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी चौथी पीढ़ी के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर अनूप कुमार बनर्जी है। डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी ने पहली बार स्कूली शिक्षा रामकृष्ण विवेकानंद मिशन बैरकपुर पश्चिम बंगाल में शुरू की। इसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर वीरभूम विवेकानंद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सैथिया वीरभूम से PHMS की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने GD मेमोरियल कॉलेज पटना से उन्होंने MD किया और वह पिछले 9 वर्षों तक GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में और वीरभूम विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वो मेडिसिन प्रैक्टिस में लेक्चरर रहे। अब वो पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सेमिनारों में भी लेक्चर दिए हैं। इन्होंने जयपुर और पटना में आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर पी साहनी सेमिनार में भी लेक्चर दिए। बचपन से ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े रहने के कारण वह एक योग्य होम्योपैथ है। इनका आज का विषय है बच्चों में नॉक्टर्नल इनुरोसिस के उपचार में होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रभावकारिता। सो डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी, आपका पुनः IFPS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर यू आर म्यूटेड, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर आप म्यूटेड है। आप ठीक है? साउंड आ रहा है? यस यस सर। ओके। तो सबसे पहले आज 78 जो आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है उसमें लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस है सबको, जितना भी व्यूवर्स है। और सबसे पहले मैं कैमरा साउंड ऑडिबल है, क्लियर कट एकदम साउंड एकदम क्लियर आ रहा? यस वेरी गुड। तो और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर एम के सानी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस मंच पे हम लोगों को और एक बार फिर से मौका दिया। और जिस तरीके से ये जो सेमिनार जो चल रहा है, जिस तरीके से जो ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इतना कंटिन्यूअस बेसिस पे और इतना सीरियस बेसिस पे, जो शायद शायद से हम लोगों को सीखने को मौका मिलता है कि जिस तरीके से ये जो इंटरनेशनल टॉक है ये इतना दिन से कंटिन्यूअसली सर जो कर रहे हैं, और इसके लिए सर सच में हम लोग को बहुत सारा रास्ता फ्यूचर में भी दिखाया है और शायद आगे चल के भी सर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी देगा जिस सीरियसनेस के साथ ये कंडीशन को ये अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट कुछ तो अनबोली बातें हैं, आज ये इंडिपेंडेंस डे है, बट मेरा जो वॉइस है वेस्ट बंगाल से है, आप लोग सब जानते हैं। और क्योंकि हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग आज हम लोग जो टॉपिक है एनुरेसिस या इनकॉर्पोरेसिस, हो सकता है मेरा जो बातें हैं वो कुछ अलग बातें हैं, हो सकता है ये आउट ऑफ द टॉपिक बात है, आउट ऑफ द सिनेरियो बात है, लेकिन ये बात को कहना जरूरी है कि वेस्ट बंगाल में अभी जो हाल चल रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, आप लोग देखें कि किस तरीके से जो घटना घट रही है, पता नहीं आप लोगों को स्टेट में भी पता है कि नहीं इस मैटर में, हम उस बारे में डीप नहीं जाएंगे। बट एक एज ए फीमेल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो फीमेल PG इंटर्न जो डॉक्टर है, शायद ये एनुरिसम से रिलेशन नहीं है, बट एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी ये चीज़ को दौड़ाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फीमेल मेडिकल कॉलेज में जो और आजकल वेस्ट बंगाल का बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें रात में जो इंटर्न थी उसको टोटली मर्डर किया गया है। एंड एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक तो इतना हाई सिक्योरिटी जोन और कलकत्ता के बहुत नामी एक तो मेडिकल कॉलेज है, उसमें इस तरीके का घटना बहुत दुखजनक है, शायद आप सभी को पता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक मिनट का जो ये है कि जो कंडीशन बहुत दुखी है और इस कंडीशन का तीव्र प्रतिवाद करते हैं, और इस तरीके का फ्यूचर में घटना ना घटे
ये बोल के ही मैंने पहला लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हैं। टॉपिक डिस्कशन मतलब ये नहीं है कि आज 15 अगस्त जो देश का स्वाधीनता है, जहाँ पे हर एक जो लड़की है, जो नारी है, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह पे, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल सिक्योरिटी नहीं रहे सोसाइटी में, समाज में, और एक डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल फैटर्निटी का जब ये हाल है, और वो 15 अगस्त के लिए हमको ये टॉपिक, मतलब जितना देश आगे जा रहा है उतना हम लोग और तरक्की करने का बात करेंगे, लेकिन तरक्की को छोड़ करके हम लोग इस टॉपिक पे दौर आ रहा है, जो बहुत वेस्ट बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए, और पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल फैटर्निटी के लिए, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप एलोपैथी करिए, चाहे होम्योपैथी करिए, चाहे आयुर्वेदिक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द मेडिकल साइंस टू सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। लेकिन ये चीजों को अगर नहीं दोहराया जाएगा, ये चीजों को आज के डेट में अगर आपके लेक्चर टॉपिक में नहीं रखा जाएगा, तो शायद आज का जो दिन है, ये लेक्चर का टॉपिक ये रिकॉर्डिंग रहेगा, शायद ये रिकॉर्डेड होता है, लेकिन मेरा वॉइस अगर बंगाल से नहीं रहा, तो एज ए वेस्ट बंगाल पीपल, इट शुड बी वेरी शेमफुल फॉर मी। सो बिफोर आई स्टार्टिंग माई टॉपिक, आई स्टार्टेड दिस टॉपिक विच स्ट्रेचेस टू द एवरी ऑल ओवर द इंडिया, ये पूरा देश में, चाहे एम्स हो, कहीं भी हो, पूरे देश में इस टॉपिक को लेके खेला है, पूरे देश इस चीज को लेके बोल रहा है। शायद इस टॉपिक पे, ये बहुत पॉलिटिकल मैटर है, हम ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे, बट एज फॉर जस्टिस इट्स नीड टू बी, जो भी है इसको कहना चाहिए, और फ्यूचर में ये घटना कभी भी कोई स्टेट में नहीं घटे, और ये स्ट्रिक्टली इस चीज को, गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है जिस देश में, उसको स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना है। पूरे वेस्ट बंगाल में हर एक जगह पे जिस तरीके से रैली निकल रही है, हर जगह पे, तो ये बहुत दुख की बात है। तो आज के डेट में, ये 15 अगस्त में जो टॉपिक है, उसमें ये टॉपिक को फ्यूचर में ना घटे, यही हम बोल करके आज का टॉपिक पे हम घुसते हैं। कभी भी कोई स्टेट में किसी के भी साथ, कोई भी औरत के साथ, कोई भी फीमेल के साथ, जो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, कुछ भी हो, उसके साथ फ्यूचर में इस तरीके का दुख की घटना नहीं घटना चाहिए। तो कम टू द टॉपिक और माई पॉइंट, तो जो टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक जो होगा, आज का जो टॉपिक है, वो हम आपको बोलते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है एन्यूरिसिस। ये सबको पता है कि ये एन्यूरिसिस है, एंड इन द एन्यूरिसिस पार्ट दिख रही है शायद स्क्रीन आप लोगों को, कि ये जो एन्यूरिसिस है, ये एन्यूरिसिस किसको बोला जाता है, ये पार्ट है साइकेट्री का। हम लोग देखिए, हम लोग जो साइकेट्री टॉपिक को जो डिस्कस करते हैं, जो साइकेट्री पॉइंट को जो डिस्कस करते हैं, जो सब कुछ जो डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि कितने तरीके का टॉपिक साइकेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है, साइकेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइकेट्रिक हिस्टीरेटिक। सेकेंड है सिजोफ्रेनिया। थर्ड वन इज मूड डिसऑर्डर। फोर्थ वन इज फोबिक डिसऑर्डर। फिफ्थ वन पैनिक डिसऑर्डर। सिक्स्थ वन जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेवेंथ वन एडल्ट पर्सनालिटी बिहेवियर डिसऑर्डर। एट वन स्लीप डिसऑर्डर। एंड नाइन चाइल्ड साइकेट्री। एंड इन चाइल्ड साइकेट्री जो है, जो 9 नंबर जो टॉपिक आप देख रहे हैं, बिकॉज ये जो है, ये टोटल साइकेट्री का सिलेबस हम बता रहे हैं, और उसमें 9 नंबर जो टॉपिक है, ये जो चाइल्ड साइकेट्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, दैट इज नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरिसिस। ये एन्यूरिसिस का पेशेंट बहुत आता है चेम्बर में, ये एन्यूरिसिस का पेशेंट बहुत आता है क्लिनिक पे, और स्पेशली खास तौर के बहुत बच्चा पेशेंट आता है जिसको इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो इस टॉपिक के बारे में जो लोग हमको अभी सुन रहे हैं, जो डॉक्टर लोग हमको सुन रहे हैं, तो सबको ऑलमोस्ट कम बेसी ज्यादातर पता है, लेकिन हम कुछ आज ऐसे पॉइंट पे जिक्र करेंगे जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो शायद सबको काम में आए। तो हर एक टॉपिक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डिस्कशन होता है, कुछ डेफिनेशन होता है, आप चाहके भी ना चाहके भी वो चीज को आपको दोहराना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग जान लेते हैं एनुरिसिस होता क्या है। एनुरिसिस क्या है, ये एक रिपीटेटिव वॉइडिंग ऑफ यूरिन है। रिपीटेटिव वॉइडिंग ऑफ यूरिन होता है बार बार यूरिन करना, आइदर दिन में और रात में, एट इन अप्रोप्रिएट प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्टेट ऑफ अफेयर्स नॉर्मल इन द इन्फेंसी, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जिसको पता भी नहीं है, अभी होश भी नहीं है उतना, तो वो कहाँ पे यूरिन करेंगे, दैट इज अ रिपीटेटिव वॉइडिंग ऑफ यूरिन आइदर ड्यूरिंग द डे और नाइट एट इन अप्रोप्रिएट प्लेस, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द एन्यूरिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जानते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट चिल्ड्रेन जो ये जो कंडीशन होते हैं, इसको
जो एनविसिस होता है ये 2 साल 3 साल में एनविसिस का ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। बिकॉज ये जो अनकंट्रोल्ड जगह पे ये लोग जो यूरिन करते हैं, जो सारे चीज को करते हैं, ये 2 3 साल में ये कंडीशन ठीक हो जाता है। और 5 साल के अंदर क्या होता है कि 7% ऑफ द चिल्ड्रेन क्या होता है वो वेट वेट करते हैं। मतलब ये एनिमल्स तभी कहलाएंगे कि ये जो बच्चा है इसका एज अगर 2 साल रहा 3 साल रहा तो उसको हम लोग एनिमलिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे एनिमलिस? बिकॉज ये जो एनिमलिस ये 2 साल 3 साल ये सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसको एनिमलिस तब भी कहा जाएगा जब ये डायग्नोस्ड होगा कि 5 साल के बाद भी जब आपका बच्चा प्रॉपर जगह पे, जब आपका बच्चा प्रॉपर जगह पे यूरिन नहीं कर रहा है, जब आपका बच्चा अनकंट्रोल यूरिन हो रहा है, जब आपका पेट में यूरिन हो जा रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर्स देन ये कंडीशन जज होगा इस पेशेंट को आपका एनिमेसिस है। उसके पहले आप इसको एनिमेसिस नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 साल के अंदर ये टॉपिक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये जब 5 साल होता है तो ओनली 7% रहता है, तो 5 साल के बाद जब ये टॉपिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेसिस। अब ये एनिमेसिस होता कैसे? ये एनिमेसिस 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि सिंपल सी लैंग्वेज में सबको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्राइमरी क्या है? प्राइमरी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो एनालिसिस जो हो रहा है इसका प्राइमरी का मतलब क्या है। ये प्राइमरी एनालिसिस का मतलब ये है कि जिसने कभी तक जिसका ब्लडर कंट्रोल रुका ही नहीं, मतलब ये कभी यूरिन को होल्ड नहीं कर सकता, यूरिन को रोक नहीं सकता है, ये होता है प्राइमरी एनालिसिस। मतलब कभी इसको ब्लडर कंट्रोल अचीव नहीं हुआ है। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? जिसमें ब्लडर कंट्रोल पहले था लेकिन बाद में जाके उसको क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम अचानक चालू हो गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी टाइप ऑफ एनालिसिस। मतलब पहले इसको कंट्रोल आ गया था, बाद में ये कंट्रोल लूज किया था। सो एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, वन इज प्राइमरी टाइप, अनदर इज सेकेंडरी टाइप। लेकिन मेजोरिटी 80% जो चिल्ड्रन होता है उसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज नॉक्टर्नल बेड एवर्टिंग होता है, जिसमें रात में बच्चा क्या करता है, जब ये जाता है नींद में जाता है या कुछ ये होता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने ब्लडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड ऑटोमेटिकली इसको क्या होता है कि इसको एनवीस का प्रॉब्लम होने लगता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी अंडरस्टैंड। एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स कि ये जो नॉन ऑर्गेनिक एनवीस है, हम लोग क्यों नॉन ऑर्गेनिक बात को जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन मतलब होता है कि वहां पे कोई भी ऑर्गन जो डैमेज हुआ है। हाँ, मान लो कोई किसी को स्पाइन में इंजुरी है, कोई तरह की इंजुरी है, उसके बाद से उसका एनालिसिस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ऑर्गेनिक मतलब वो चला जाता है पैथोलॉजिकल। नॉन ऑर्गेनिक इज रिलेटेड टू साइकेट्री, हम लोग मानसिक बीमारी में पढ़ रहे हैं। और ये एनालिसिस टॉपिक जो ये मेंटल पे अगर हम लोग पहुंचे, जिसको हमने टॉपिक का नाम दिया नॉन ऑर्गेनिक एनालिसिस, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल के साथ बेड वेटिंग का रिलेशन है, इसलिए इसको नॉन ऑर्गेनिक बोला जाता है। तो इसमें क्या देखा गया है कि मेल्स लोग जो लड़के बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लड़का होता है, वो अधिकतर इसमें प्रॉब्लम में सफर करते हैं। अच्छा, तो एनुरिस हम लोग कब बोलेंगे? जब 7 साल तक बच्चा अपने ब्लडर को कंट्रोल ना कर पाए तब हम लोग उसको एनुरिसिस बोलेंगे। 3 साल तक हर एक बच्चे बेड वेटिंग करता है, वो एनुरिसिस मेडिकल लैंग्वेज में नहीं कहलाया जाएगा। 5 7 साल तक ऑलमोस्ट 7% हो जाता है वो नंबर घट करके, और 5 साल के बाद तो बहुत कम ही बच्चे होते होंगे जिसको बेड वेटिंग होता है। तो 5 साल 6 साल हो गया अभी भी उसको बेड वेटिंग हो रहा है तो वो एनुरिसिस कहलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि एनुरिसिस होता क्यों, इटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या है? तो एनुरिसिस क्या है, इसके अगर हम इटियोलॉजी देखेंगे, मेडिकल साइंस का ये सबसे बड़ा फैलासी है जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं, चीजें नहीं पता। एग्जैक्ट कॉज का भी पता नहीं, ए वैरायटी ऑफ फैक्टर इसके लिए इम्प्लीकेशन है, इसके कॉजिशन है, लार्जली ये बायोसाइकोलॉजिकल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोसाइकोलॉजिकल मतलब मेंटल प्लस फिजियोलॉजिकल। और इसमें 75% बच्चे का जो एनोलिसिस होता है ये क्या होता है, दैट्स फर्स्ट रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द एनोलिसिस। मतलब ये जो बायोकेमिकल जो बच्चा होता है इसमें क्या होता है, 75% ऑफ द चिल्ड्रन जो एनिमल्स का है ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब कोई भी उसके जो रिश्तेदार है, इसके जो कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री स्पेसिफिकली इस पेशेंट में मिलता है, जहाँ पे हम लोग इसका एनिमल्स का हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग ला सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनिमल्स का।
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक कॉज प्रेजेंट इज ओनली 5% केसेस, जिस पर हम लोग क्या देखते हैं आजकल बहुत कॉमन केस है, स्पाइना बाइफिडा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, डायबिटीज एंड सीजर डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब ऑर्गेनिक कॉज है। लेकिन हम पहले ही बोले कि ऑर्गेनिक एनालिसिस का कॉज जो होता है वो सिर्फ 5% है, एंड सेकेंडरी एनालिसिस जो है दैट ये एनालिसिस को हम लोग देखेंगे तो ये 5 से 8 साल के अंदर होता है, और जिसमें क्या होता है इट टेंड्स टू रेमिट स्पॉन्टेनियसली, मतलब 5 से 8 साल के अंदर क्या होता है ये जो एनालिसिस जो है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ये जो बेड वेटिंग है, ये जो कंडीशन है, इसका ये जो एनालिसिस से होता है, इसका जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं कि डेफिनेशन पढ़े, अब ऐसे पेशेंट अगर आ जाए, हम मेडिसिन की बात नहीं करेंगे आज, थोड़ा सा हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक को थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करेंगे, बात ये कि अगर ये एनालिसिस का पेशेंट अगर आ जाए तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जिस बारे में कभी डिस्कशन नहीं रखी, अभी देखिए अभी हम मेच्योरिटी का बात बोलना चालू कर दे, अभी हम सिस्टम का बात बोलना चालू कर दे, तो दैट इज वेरी कॉमन इन ऑल लेक्चर्स। लेकिन मैं जो आज कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हटके है, क्यों हटके है, क्योंकि मैं जो मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये जो एनालिसिस पेशेंट मेरा एक छोटा बच्चा पेशेंट आ गया तो उसमें उस तरीके का एनालिसिस पेशेंट में आपको मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, आपको कहना क्या चाहिए उस पेशेंट को इस कंडीशन को रोकने के लिए, पहले ही दवा नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे टू बी ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द साइकेट्रिक केसेस, मतलब अगर आपका कोई एनालिसिस का पेशेंट आ गया तो ऑल टाइम उसको सीपीआर नहीं सोचना है। वो चीजें आपको सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो क्या मैनेजमेंट देंगे अपने एनालिसिस को, तो फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं कि इस तरीके का केस को 8 बजे के बाद से कोई भी तरीके का फ्लूइड इंटेक और पानी नहीं पिलाया जाए, और या पिलाया जाए तो बहुत कम पिलाया जाए आफ्टर 8 PM। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनालिसिस बच्चे को बोलना है आपको गार्जियन को, देखो प्रैक्टिस करेंगे जब हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको ये कहना बहुत जरूरी है कि कोई भी एनालिसिस के बच्चा आएगा तो उसको आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि आपको 8 बजे के अंदर बाद से आपको यूरिन नहीं करना है, जो पानी जो पीना है वो बहुत कम पीना है। सेकेंड वन, आपको ब्लडर ट्रेनिंग उसको सिखाना है कि आप अपने जो जो यूरिन है, जो आपका जो कंडीशन है, जो सब कुछ है, इसको क्या करना है आपको होल्ड करके रखना सीखना है, एंड ये स्टेप बाय स्टेप एनआर पे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिखा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या है कि आपका जो ये जो यूरिन होता है, आपका जो ये कंडीशन जो होता है, ये कंडीशन को आपको क्या करना है, ये डे टाइम आपको होल्ड करना है, मतलब यूरिन जब भी लगेगा तब भी आपको दौड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरप्शन ऑफ द स्लीप बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द बेड वेटिंग। जब भी ये कंडीशन जो होता है चाइल्ड को क्या बोलना है कि आप उठिए एंड मेड ऑफ अवेयर ऑफ पासिंग, मतलब आपको एक घर ही रखना है और ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि इस जो बच्चा है ये बच्चा कब यूरिन करता है, मान लीजिए रात को 3 बजे के बाद यूरिन करता है तो आपको इसको क्या करना है, अलार्म क्लॉक सेट करके आपको 2:30 पे आपको अलार्म क्लॉक डालना है कि जिस टाइम में यूरिन करेंगे उसके पहले उसको क्या करके जगा करके उसको यूरिन कराने का हैबिट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इस तरीके के केस को रोकने के लिए। द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी करना चाहता हूँ, दैट इज कंडीशनिंग डिवाइसेस, मींस देयर इज अ अलार्म, ये क्या होता है दैट टचेस द बेड शीट एंड रिसीव चाइल्ड हियरिंग। और फिफ्थ पॉइंट जो है, जो बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं, दैट इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी, मतलब इस तरीके का बच्चे को जो पेशेंट थे हो सकते हैं वो बार बार बच्चा बेड गीला कर देते हैं, बार बार बच्चा जो क्या होता है वो बोल लेते, तो सब लोग उसको डांटने लगते, तो इस तरीके की कोई भी हरकत जो है तो ये इस तरीके की जो कंडीशन जो है ये उसको नहीं किया जा सकता है। एंड फार्माकोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट जो है इसका ड्रग ट्रीटमेंट वो तो एकदम लास्ट में, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम जो पॉइंट को जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉइंट को हम बार बार कहने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई एनालिसिस का पेशेंट आ गया, अगर कोई एनालिसिस बच्चे का पेशेंट आ गया तो उस पेशेंट को हम लोगों को मैनेजमेंट कैसे करना है। पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है, रात को 8 बजे के बाद से उसको फ्लूइड इंटेक कम करा देना है। सेकेंड वन जो इम्पोर्टेंट है कि उसको डे टाइम में होल्डिंग अप द टाइम ऑफ द ब्लैडर, मतलब जब भी यूरिन लगे तब भी उसको दौड़ के एकदम जो ब्लैडर है उसको नहीं एम्प्टी करना है। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट है,
वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बच्चा है उसको एक अलार्म सेट करके आप रखिए, उसको बोलिए कि एक प्रॉपर टाइम में जब उसको यूरिन हो रहा है, मान लीजिए 2 सेकंड हो रहा है या 3 सेकंड हो रहा है, उसको आप बोलिए कि एक अलार्म सेट करिए, और उसको बेड वेटिंग करने से पहले आपको उठाना, या है मम्मी पापा को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ये आंख बंद करके चलने से नहीं चलेगा। एंड फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी के, आप अगर आप आज बेड नहीं गिला किए तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, वो अवार्ड मिलेगा, छोटे छोटे गिफ्ट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के केस में, आपको पॉजिटिव भी डालने के लिए। अच्छा, जो मॉडर्न मेडिसिन में वो क्या करते हैं, कॉमनली द ड्रग ऑफ चॉइस होता है इस तरीके का केस में, क्या होते हैं वो लोग हर एक केस में एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं। कुछ भी होता है तो एक एंटी डिप्रेसेंट, मतलब कोई भी कारण से डिप्रेशन का चोज हो, चाहे वो डिप्रेशन मेंटल लेवल पे, डिप्रेशन दूसरे लेवल पे, उतना छोटे छोटे बच्चे को ये लोग एंटी डिप्रेशन देने का ये लोग जो कोशिश करते हैं, ये आज नया नहीं है, ये बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एक तो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज हम लोग तो एनवीसी सब लोग सुने हैं, पर जो पॉइंट हम लोग नहीं सुने हैं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनवीसी के बाद, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन ये टर्म हम लोग कभी नहीं सुनते, हम लोग तो एनवीसी बहुत सुनते हैं लेकिन इनकॉर्पोरेशन टर्म को हम लोग कभी नहीं सुनते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। किस तरीके का रिपीटेटिव प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना बाउल को कंट्रोल नहीं कर पाता है ऑटोमेटिकली, इसको इनएप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस पे जब ये बाउल को मूवमेंट करता है, ये कंडीशन जब होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन। तो दो टर्म मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वन इज नॉन ऑर्गेनिक एनुरेसिस एंड सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंड वन इज नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन। एंड ये जो नॉन एनकोडिक जो इनकॉर्पोरेशन जो होता है इसमें बहुत सारा चीजें हैं, और ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये 4 साल के अंदर ये ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन 4 साल के अंदर ये नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो इसके दो तरीके कारण होता है, प्राइमरी टाइप एंड वन इज सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप किसको किया जाता है, जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग उसको सही तरीके से नहीं दिया जाए, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द नॉन ऑर्गेनिक एनुरेसिस को हम लोग बोलते हैं। एंड सेकेंड टाइम जो सेकेंड टाइप ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे क्या होता है एक तो फिकल इंटरडेंस होता है, उसके बाद ये 4 से 8 साल के अंदर इस तरीके का अगर इनकॉर्पोरेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये जो नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन, इसका बहुत सारा फैक्टर है। पहला क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट टॉयलेट ट्रेनिंग। सेकेंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली सिखाया नहीं जा रहा है, सिबलिंग राइवलरी, मैच्यूरेशन लैग, इमोशनल डिस्टरबेंस, मेंटल डिटरेशन, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया एंड ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। मतलब मेंटल के साथ हर एक पॉइंट जो आप कहीं से भी देखिएगा, मेंटल के साथ ये हर एक पॉइंट हर जगह से, चाहे एनुरेसिस हो चाहे इनकॉर्पोरेशन हो, हर एक पॉइंट में हम लोग क्या होते हैं, ये चीज दोनों को हम लोग निकल सकते हैं। तो आज जो मेरा जो मेन टॉपिक जो एनालिसिस का था, जो मेन टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे थे एनालिसिस का, तो उसमें अगर हम टोटल चीजों को, आज का जो लेक्चर था उसको अगर हम छोटा सा एकदम समराइज करें कि छोटा सा पॉइंट लेते हैं, तो सिंपली क्या आज हम लोगों ने एक टॉपिक के सीधा देखिए, पूरा टॉपिक बोलने से टॉपिक कभी भी ना तो समझ में आएगा ना कुछ कुछ होगा। तो बेसिक चीज है जो समराइज करें एकदम सिंपल से बात है, एनालिसिस ये क्या होता है, ये वॉइडिंग ऑफ यूरिन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस होता है। और ये एनालिसिस जो है वो क्या होता है, ये डे में भी हो सकता है और नाइट नाइट में भी हो सकता है, बट अगर ये इन अप्रोप्रिएट प्लेस में हुआ, मतलब जहां पे मेरा होना चाहिए वहां पे अगर नहीं हुआ, दैट इज द कंडीशन नोन एज द एनालिसिस। और ये एनालिसिस किस में होता है, ज्यादा नॉर्मल प्रेजेंट इन द इन्फेंसी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट चिल्ड्रेन जो है ये एनालिसिस क्या होता है, और ये ब्लडर कंट्रोल जो होता है ये क्या होता है, ये 3 साल के अंदर इसका ब्लडर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन क्या है इस तरह के कंडीशन में जब 5 साल जब हो गया उसके बाद भी अगर ये आपका ब्लडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, देन दिस कंडीशन नोन एज द, ये कंडीशन को आपको इलाज करना चाहिए, इस कंडीशन को आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो एनालिसिस है ये दो तरीके का हो सकता है, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे ब्लडर कंट्रोल कभी भी नहीं किया, इस तरीके के केस में क्या होता है, कभी भी अपना जो ब्लडर कंट्रोल है इसे नहीं करवाया, तो दैट इज
प्राइमरी एनालिसिस एंड सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस क्या है? ये सेकेंडरी एनालिसिस जो है, जहाँ पे पहले एक साल तक उसको ब्लड वर्क कर चुकी है, उसको रचना कुछ ऐसा घटा जहाँ पे उसका एनालिसिस जो है वो कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल जो है वो हो गया। और ये नॉन ऑर्गेनिक एनालिसिस जो, ये किसमें कॉमन है? ये मेल में बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये जो इटियोलॉजिकल अगर हम एनालिसिस को देखेंगे, सो एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एनालिसिस नॉट नोन, ये किसको पता नहीं है। इससे बेसिकली ये लार्ज जो इधर तो बायोसाइकोसोशल, हम बार बार बोलते हैं बायोसाइकोसोशल का मतलब क्या है कि क्या आपका बॉडी के साथ आपका मेंटल, मतलब मान लीजिए कोई भी कारण से आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा फियर हुआ, कोई भी कारण से टीचर ने स्कूल पे डांटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो डर, मतलब मेंटल साइकोलॉजिकल डर अगर आपके मन में पैदा हो गया, तो कोई भी जगह से आपको वो प्रेशर हो जाएगा मेंटली या साइकोलॉजिकली, वो आपके बॉडी के ऊपर एक तो इफेक्ट दिखाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन डिस्कस ऑफ। मोस्ट कॉमनली क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल होता है, दैट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, इनसिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉल, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इनसिक्योरिटी। सिबलिंग राइवलरी, मतलब दोनों भाई बहन है, आपस में ये दोनों भाई बहन में क्या हो रहा है कि ये आपस में, इसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो साइकेट्री जब आप बोलते हैं कि पर्सनल डिसऑर्डर में, कि भाई बहन में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी मम्मी पापा को अपने भाई बहन से तुम अच्छे हो, ये अच्छा है, दोनों में कौन अच्छा है, इस तरीके का कोई भी वर्ड कभी भी नहीं करना चाहिए, दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का छोटा छोटा जो चीज है, दैट इज सिबलिंग राइवलरी एंड दैट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ द एनिमिटी, उससे इस तरीके का एनिमिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ ऑफ द पेरेंट्स, ये नॉन ऑर्गेनिक एनालिसिस कॉज है कि उसका मम्मी पापा का डेथ हो गई, जो मेंटल शॉक, ये जो इस तरीके का जो मेंटल शॉक है, क्योंकि मैंने बोला ये जो एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 90% जो है दैट इज साइको सोशल, मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस के बाद से उसके यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला कि 5% जो इसके बाद भी हो सकता है, सो 95% कॉज ऑफ द एनालिसिस, ये कॉज क्या है? That is very important point. 95% of the cause is that is non-organic. मतलब इसमें कोई भी cause आपको नहीं मिलेगा, कोई भी टेस्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, and only 5% cause आपको मिलेगा that is anamnesis, that is organic. So spina bifida, neurogenic bladder, UTI, diabetes, seizure, these are only 5% के तरफ क्या मिलता है जहाँ पे आपको cause clear कर पता चलता है, लेकिन 95% केस पे that is psychological. So that is the only point in the homeopathy. अगर हम लोग प्रॉपरली केस स्टडी नहीं करेंगे, अगर हम लोग प्रॉपरली केस का एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको कॉज कभी नहीं पता चलेगा, बिकॉज द होल केस ऑफ द एनालिसिस अननोन। और कब हम लोग इसको डायग्नोस्टिक पॉइंट में लाएंगे? जब आफ्टर 5 इयर्स रुक नहीं रहा है, देन वी कैन कंटिन्यू दैट ये केस जो है दैट इज पार्ट ऑफ द एनालिसिस। ट्रीटमेंट तो सब लोग बोलते हैं, हम मैनेजमेंट फोकस करते हैं। इस तरीके के केस में मैनेजमेंट क्या है कि आपको रात को 8 बजे के बाद आपको यूरिन नहीं करना है, या यूरिन जो है उसको धीरे धीरे पानी पीना, उसको स्पेशली कम कर देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इनटेक आफ्टर 8 PM, अगर आप साइकोलॉजिकल कोई पेशेंट देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट आपको मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एनिविज्म जो ज्यादा फोकस करते हैं हम, तो ज्यादा जोर देते हैं दैट मैनेजमेंट ऑफ एनिविज्म, इस तरीके का पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आ गया तो आप कैसे उसको रोकेंगे, पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज मेरा जो पूरा टॉपिक मेन फोकस है मैनेजमेंट ऑफ एनालिसिस, हम तो दवा तो दे देते हैं लेकिन किसी ने मैनेजमेंट के बारे में जिक्र नहीं करते। तो पहला इस तरीके का पेशेंट आएगा, मतलब एनालिसिस का पेशेंट आएगा, तो उसको बोलना है कि आपको रिस्ट्रिक्शन करना है फूड, 8 बजे के बाद आप फूड नहीं पीजिएगा, पूरा दिन पानी पीजिए, बच्चा बाथरूम जा रहा है ठीक है, लेकिन 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद से आप यूरिन, आपको जो फ्लूइड जो इंटेक, आप जो पानी पी रहे हैं अपने बच्चे को, उसको थोड़ा थोड़ा करके कम कर दीजिए दोस्तों, उसको दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन ब्लैडर ट्रेनिंग, आपको यूरिन को कुछ टाइम में बच्चे जो है ये करना है कि वो अपने ब्लैडर को होल्डिंग नहीं कर पाते, तो होल्डिंग ऑफ द ब्लैडर मतलब यूरिन को थोड़ा पकड़ के कंटिन्यू रखना, जब भी बाथरूम जाके तुरंत अगर थोड़ा सा होल्ड करना, ये भी ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगर आपका बच्चा जो है 3:30 4:30 कभी भी वो जो यूरिन हो रहा है, कभी कर रहा है 3:30 4:30 में, तो उसको आपको एज ए पेरेंट्स आपको घड़ी में अलार्म लगवाना है, और जो टाइमिंग है उसका, मान लीजिए वो 3:30 यूरिन कर रहा है, तो आपको 2:30 उठ करके आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि आप थोड़ा उठ जाइए, और उसी टाइम में आप अलार्म लगा के बच्चों को उठाइए, और वो बेड वेटिंग करने से पहले आपको जाकर बाथरूम में उसको वेकअप करके आपको उसको यूरिन करवाना है। सो दीज आर द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी, मतलब अगर बच्चा
से डर रहा है, अगर आपके बच्चे को कोई टीचर क्लास में डांट रहा है, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप ये सब चीजों को नहीं करेंगे तो ऐसे केस को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एनोरेक्सिस केस को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आज कोई भी होम्योपैथी दवाओं के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। कोई मेरे लेक्चर के बाद डिस्कशन जरूर कर सकता है कि क्या क्या होम्योपैथी दवा इसमें आएगा, लेकिन आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा दूसरा है, ऑन द साइकेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर इस तरीके का कोई एनोरेक्सिस केस आ गया तो हम किस प्रक्रिया में, किस प्रोसेस में हम उसको मैनेज करेंगे, हम पेशेंट को क्या बताएंगे, पेशेंट को क्या करना है। अगर इस तरीके से पेशेंट अगर किया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उस केस में आपको हर जगह पे दवा देना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके करने के बावजूद भी पेशेंट अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब आपको मेडिसिन की जरूरत है। और उस तरीके का मेडिसिन में जो होम्योपैथी केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने बोला नॉन ऑर्गेनिक एनुरिसिस, मतलब जिस एनुरिसिस में कोई कारण नहीं है। इवन इन द मेडिकल साइंस आज के डेट में भी अगर आप 100 100 टेस्ट कराएंगे, लाख लाख टेस्ट कराएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ओनली 5% केसेस, मतलब बच्चा जो बेड वेटिंग करता है उसके कॉज में आपको 5% कॉज मिलता है, जहाँ पे आपके स्पाइन या बाइफिडो या कुछ भी आपको मिलता है, लेकिन बाकी कोई भी कॉज आपको नहीं मिलता है उसके केस में। तो इस तरह के केस में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डिप्रेशन है कि नहीं, उसकी सिबलिंग राइवलरी है कि नहीं, तो इस तरीके का पॉइंट को आपको चेकआउट करना बहुत जरूरी है कि वो कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं जा रहा है, वो कोई मेंटल फियर में तो नहीं जा रहा है, और उसके बाद से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल के साथ उसका बॉडी में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ऑरिजिनेट हो रहा है, उसके बाद से ये प्रॉब्लम उसको जनरेट कर रहा है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। हो सकता है एक बहुत शॉर्ट टॉपिक मैंने आज बोला, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने कोई मेडिसिन का जिक्र नहीं किया। हो सकता है इन द फ्यूचर कभी भी हमको लेक्चर का तुम्हारा मौका मिलेगा तो भी इसका क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन का जिक्र करेंगे। या आज मेरे लेक्चर के बाद किसी ने अगर चाह, जितना भी कॉमेंट सेक्शन में है, सब मेरे साथ जुड़े हैं, कोई भी डॉक्टर इसमें मेडिसिन क्या है या कुछ इस टॉपिक में ज्यादा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मेरे टॉपिक के बाद बोल सकते हैं। लेकिन तो आज मेरा टॉपिक इतना तक था, और मेरे साथ डॉक्टर दीपमाला जुड़े होंगे शायद, तो मैं उनको बोलूंगा कि मेरा टॉपिक आज इन शॉर्ट में मैंने अभी यहाँ पे अभी एंड कर रहा हूँ। तो मेरे बाद कोई अगर इस टॉपिक में बोले तो मैं थोड़ा सा, मेरा जो मेन फोकस था आज के जो ये जो डिस्कशन टॉपिक का, वो मेन फोकस था कि एनालिसिस क्या है, एनालिसिस कैसे होता है और इसका मैनेजमेंट क्या है, और साथ में मैंने जो नया टर्म जो आज जोड़ा, दैट इज इनकॉर्पोरेसिस, मतलब एनोरेसिस एंड इनकॉर्पोरेसिस, तो दोनों टॉपिक को मैंने जिक्र किया। लेकिन मैंने आज कोई मेडिसिन का जिक्र नहीं किया, मैंने आज सिर्फ बोला कि हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ द एनोरेसिस इन द शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर्म। तो आज 15 अगस्त के दिन फिर से मेरा लेक्चर खत्म होने से पहले सबको फिर से एक बार, जो हम लोग का जो इंडिपेंडेंस डे है उसका फिर से सबको एकदम बधाइयां। एंड ये 78 इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन एज ए वेस्ट बंगाल पीपल हम लोग का सबका मन बहुत दुखी है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एज ए मेडिकल फैटर्निटी, आज वेस्ट बंगाल के लिए ये दिन हम लोग का बहुत अच्छा नहीं है। वी आर गिविंग अ मेंटल शॉक, वी आर टोटली इन द मेंटल शॉक इन एवरी पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल, दैट्स वी आर एंड वी डोंट नो हाउ एंड वी आर फाइट एंड कंटिन्यूअसली शाउट फॉर एज ए मेडिकल फैटर्निटी फॉर द जस्टिस, बिकॉज आप सबको पता है जो भी हर एक स्टेट से हमको सुन रहे हैं, दैट इज द वी आर साउथ फॉर द जस्टिस फॉर द पीपल। फॉर दैट्स ऑल, यही फिलहाल आज के लिए था, और फिर अगला दिन जब मौका मिलेगा फिर से सर आपको बोलेंगे। मैं सर को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द पॉइंट, एंड ऑफ द लेक्चर, जहाँ पे सर ने हमको कंटिन्यूअस, सर ने हमको बोला कि इस तरीके का मौका देने के लिए, और इस तरीके का जो इंटरनेशनल जो टॉक है उसको कंटिन्यूअसली एकदम सिस्टमेटिक वे पे सर, जिस तरीके से टोटल सर का जो टीम है इस तरीके से करते हैं, और जिसके मैं बहुत दूर से सबकी मदद बहुत करता पर्सनल भी है, तो सर को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, आप मेरा प्रणाम दीजिएगा, एंड दैट्स ऑल सर आज के लिए मेरे तरफ से। हूँ। धन्यवाद डॉक्टर, आप तो मीटिंग बहुत पहले खत्म कर दिए। आप हाँ सर, अभी हाँ ऑडिट थोड़ा सा को, आप शॉर्ट टॉक। कुछ, आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए, आप अपना हाँ बिल्कुल पीपीटी सर, को हटा लीजिए, है एकदम ना। सर, एकदम। हाँ आप बताइए, ये इसको हटा करके आप, हाँ उसको हटा दीजिए। हाँ सर बिल्कुल, हाँ अभी आप उसको कंप्यूटर को, आप सामने आ जाइए, इसको हटा दीजिए कंप्यूटर। आपके अभी तो बहुत समय है आपके पास में, आप अभी और भी बात कर बिल्कुल सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल। और कुछ अभी केस हमारे डिस्कस पास कीजिए, टाइम में है, आधा घंटा अभी हमारे पास टाइम है, आप 25 कोई अगर मिनट डिस्कस करना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो कर सकता है, इस टॉपिक के ऊपर। नहीं, अगर आप आपको कुछ दिए, आपको आपको समय दिया गया है,
आप बताइए। सर ओवरऑल तो मेरा जितना कहना था मैंने कहा उस टॉपिक के ऊपर, और मेरा जो मेन फोकस था जो मैनेजमेंट के बारे में था मैंने उसको बोला कि ये बहुत जरूरी है। और इस तरीके के एनवीएस के केस में साइकोलॉजिकल केस जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोशल केस में, लेकिन मेरा साइकोशल केस को पॉइंट टॉपिक टच करने का मेरा पॉइंट नहीं था। मेरा पॉइंट था कि हाउ टू मैनेजमेंट केस में मैनेज कैसे करें, और अगर ये मैनेजमेंट फेल होता है देन वी हैव टू गो टू द होम्योपैथी मेडिसिन, जहाँ पे साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है एनालिसिस केस। बिकॉज ये जो नॉन ऑर्गेनिक जो एनालिसिस केस है ये नॉन ऑर्गेनिक एनालिसिस केस 95% है जहाँ पे इमोशनल डिस्टरबेंस, साइकोसोशल डिस्टरबेंस, सिबलिंग राइवलरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप लोग प्रॉपर केस करेंगे तो तब भी शायद कुछ पॉइंट हमको निकल के आ सकते हैं। इतने सर ये पॉइंट है जो मेरा मेन पॉइंट आज का फोकस था, मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिसिस इज द बेसिकल प्रोसेस। बिकॉज दवा तो सर सब लोग पहले से एकदम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज मेरे वो टारगेट नहीं था कि इन द साइकेट्री पार्ट मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिसिस कैसे किया जाए, और अगर ये फेल करता है देन हम लोग बारे में सोचेंगे या मेडिसिन के साथ साथ ये मैनेजमेंट कहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस तरीके का साइकेट्री। सर आप आगे कुछ बोल सकते हैं? जी आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा था लेकिन आपने बड़ा शॉर्ट में इसको खत्म कर दिया। लोगों के लिए परेशानी क्या हो जाती है कि हम लोग को इसमें हमको अभी इसको आधा घंटा कंटिन्यू करना था। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमको लगता है कि ये दीपमाला जी भी बहुत पेशेंट देखती हैं, तो दीपमाला जी आप अपना अनुभव को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अभी बिल्कुल बताया कि बच्चों में साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसा इस सर ने बताया कि इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बच्चों में सर ने बताया भी कि सिबलिंग जो होते हैं उनमें बहुत सारा टेंशन होता था कि बच्चों में एक को अगर आप ज्यादा वैल्यू देते हैं अनदर को नहीं देते हैं तो भी बच्चों के इस माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सर ने मैनेजमेंट के बारे में ये भी बताया कि 8 फ्लूइड का इंटेक कम होना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर बच्चे रात को सोते समय में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पेट वेटिंग ही उनके, तो मैनेजमेंट में ये भी आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और एक चीज मैंने एक और बताई, बच्चे तो बहुत सारी बातें अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों में देखें 1 to 5 years के बीच में देखें तो मोस्टली कॉमनली है कि वो बेड वेटिंग जो कॉमन होता है, तो उसमें आप मैनेजमेंट का तो आप, उसमें आप साइकेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलेंगे, उसमें सिम्टम्स बच्चे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ सर आप बताएं। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही शायद सर तो बोलेंगे शायद मेरे बारे के बाद, लेकिन यही शायद फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन है और यही शायद केस टेकिंग है। बच्चे डायरेक्ट कुछ बोलते नहीं है, आपको ऑब्जर्व करके उस चीज को निकलना पड़ेगा बच्चों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा अपना फियर जो है, मेंटल फियर जो है, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ये एनालिसिस 1 से 3 साल तक का बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, कॉमन है। 1 से 3 साल का बच्चा ये नॉर्मली बेड वेटिंग करता है, वो कोई डिजीज के अंदर भी पड़ता नहीं। लेकिन जब बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल हो जाता है, जब उसका बोलने भी वो बच्चा लगता है, उसको समझ भी बहुत अच्छी, आजकल तो 2-3 साल के बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से हर एक बात को समझता है, लेकिन उसको स्कूल में कोई डांट रहा है कि नहीं, उसमें घर में अपने मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजों का इफेक्ट बच्चों के अंदर डायरेक्ट पड़ता है। तो ये चीजों को, दैट इज द ब्यूटी ऑफ केस टेकिंग, इस चीज को आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज द टेक्निक ऑफ द केस टेकिंग। यही है चीज, मेंटल सिम्टम को कैसे निकाला जाए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और ये मेंटल सिम्टम तो एक निकलता है, एंड दूसरा ये है कि मेंटल के बाद और एक तो होम्योपैथी में एक तो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिकल जनरल। अगर बच्चे का मेंटल सिम्टम को नहीं भी मिल रहा है, एंड इन होम्योपैथी केस्टिंग हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज को बार बार दौड़ते हैं, आपको बहुत सारा सिम्टम नहीं देना है। जैसे मान लीजिए एज पर एग्जाम्पल हम कभी बोले कि हम जब भी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम में कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हमको मिल जाता है, एक तो स्ट्रॉन्ग मेंटल आपका सिम्टम है जहां से वो मेडिसिन सिलेक्ट हो सकता है, आपको बहुत सारा सिम्टम लेने का भी जरूरत नहीं। लेकिन एज ए होल जब हम चेंज की हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे अच्छा
सर मैंने बड़ों के में बच्चों में तो आपने बताया, मैंने कुछ बड़े स्टेज में भी बच्चों को देखा है जो 12 साल 14 साल के हो गए हैं, और उनमें ये गिल्ट भी आने लगती है कि मैं चाहकर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैंने सर दो दो से तीन बच्चे देखे हैं जिनको बेड वेटिंग का ये कंप्लेन आता ही आता है। हेलो सर, आई थिंक लग रहा है कि रूम से आउट हो गए क्या? विरेंद्र जी हैं, अभी निकले नहीं। दीपमाला जी, मुझे लगता है ये जो आप सवाल की, बड़ा अच्छा सवाल आपने अभी किया कि 10 से 12 साल के उम्र में, और मैंने तो एक देखा, एक 15 साल की लड़की, 15 साल का, और 16 साल का, 15 साल 16 साल में इंटर कर रही थी, तो ये बगल हाजीपुर के वैशाली के पास में रहने वाली थी, तो उसके पिताजी उसको लेकर के आए कि सर लड़की की शादी करनी है। हमने कहा 16 साल में क्यों शादी करेंगे? बोले कि नहीं नहीं सर, इसको अभी रात में ये बिछावन में पेशाब कर देती है। ये जो समस्या है, तो इसमें और पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली उसमें कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना? तो मैंने उसमें जो केस टेकिंग करने के बाद में मुझे उसका नेचर को देखने का तब मिला। देखिए, इसमें अभी अभिनंदन जी जी बोल रहे थे कि केस टेकिंग में आपको मेंटल सिम्टम्स और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होता है वो इनोरेसिस में, नॉक्टर्नल इनोरेसिस में बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही फैक्टर करता है। बहुत बच्चे बहुत लेट तक पेशाब करते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं करते हैं, है ना? तो जो करते हैं उनके पीछे में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मेंटल दबाव है। और एक तो होता है, दूसरा दबाव होता है ओवर प्रोटेक्शन, मतलब पहला चाइल्ड। अब देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ द चाइल्ड जो है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सीक्वेंस मतलब कि पहला बच्चा का बिहेवियर कैसा होगा, बीच के बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, और सबसे छोटे बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा। ये बहुत हमने बहुत ही गंभीरता से मैंने इस पर अध्ययन भी किया, और देखा कि पहले बच्चे होते हैं वो बड़ा लाल, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाल प्यार से पाले जाते हैं, और वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है, इतना केयरलेस हो जाता है, केयरलेसनेस के कारण उसे कुछ भी नहीं बुझाता है, और इस तरह से बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ जाने के कारण उसको पेशाब ठीक करने का भी सेंस खत्म हो जाता है, और ये होने लगता है। तो वो मैंने कहाँ पेशाब करना है वो कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में वो ज्यादा चला जाता है। तो मैंने उस लड़की में मैं देखा, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लक्षण मुझे दिखलाई पड़ा। वो उसका उसका जो रुचि था वह पेंटिंग ये सब में था। तो एक रूब्रिक्स माइंड में आप जाइएगा, आर्ट एबिलिटी फॉर, उसमें कार्सिनोसिन भी दवा है और दो तीन दवाई और, आर्ट एबिलिटी फॉर। उसका में उसका जो लड़की होती है, लड़की होने के कारण भी प्रॉब्लम होता है, लड़की होना भी बड़ा एक समस्या है, क्योंकि लड़की को जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में उसको सप्रेशन ही मिलता है, लड़का को ज्यादा प्राथमिकता देना, तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर रहा था, है ना? तो दो तीन चीज का अध्ययन करने के बाद में मैंने डिसाइड किया इसके मेंटल स्टेट्स को, और मैंने वहां पर ये सब कुछ नहीं लिया। अभिनंदन जी फिर ज्वाइन कर चुके हैं उनको कोर्ट बना में, तो वो फिर से मैंने वहां पर कार्सिनोसिन दिया, और आपको विश्वास नहीं होगा, कार्सिनोसिन 0/1 में मैं तो ट्रांसमिट करता हूँ, 0/1 मैंने दिया, और मैं फॉलोअप करता रहा, और उसकी शादी होने तक पेशेंट के लोग आते रहे और बताए कि सर अब ये पेशाब नहीं कर रही। तो ये होम्योपैथी का बहुत बड़ा चमत्कार। होम्योपैथी में आप अगर मेंटल सिम्टम्स को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये हो सकता। और खास करके इसमें अब देखिएगा, मिडिल बच्चे, जो बीच वाले बच्चे होते हैं, उसका भी बड़ा रोल होता है, बीच वाले बच्चे का। वो बीच वाले बच्चे में भी कभी कभी होता है, क्योंकि उसमें जेलेसी क्रिएट हो जाता है, बड़ा बच्चा होने के कारण वो जो है सो उसको ज्यादा देखता है, उसको ज्यादा माना जा रहा है, हमको कम माना जा रहा है। ये सब चीज को, फैक्टर को ध्यान में दीजिएगा तो आपको ये है। और अभिनंदन जी से मैं देख रहा था कि उन्होंने कैसे इस चीज को भी एक्सप्लेन, साइकोलॉजिकल फैक्टर। सिंगल चाइल्ड होते हैं उसमें भी ये आता है सर, आप जैसे बच्चे दो तीन हैं, सिबलिंग है साथ में, तो उनमें भी ये चीज है, लेकिन जो सिंगल चाइल्ड होते हैं उनके मेंटेलिटी भी बहुत अलग हो जाती है। तो मैंने देखा, अपलोड किया, मैंने भी दो
पेशेंट ऐसे देखे हैं जो 12-13 साल के, लेकिन जो सिंगल चाइल्ड है उसका मेंटल दूसरे तरह का हो जाता है। तो सर अभिनंदन सर आप किस चीज पे थोड़ा सा, अभिनंदन जी फिर अभिनंदन जी ज्वाइन कर चुके हैं, अभिनंदन जी फिर ज्वाइन सर कर आप चुके हमने हैं। फोन म्यूट कर ले अभिनंदन बस। जी आप बोलिए। हाँ आप देखिए बताइए मैंने दस। मैंने हाँ डॉक्टर डॉक्टर दीपा मैम का मैंने क्वेश्चन सुना हूँ। जैसे सर अभी अभी बताए और सब कुछ हम लोग तो सेट से सीखे हैं, लेकिन बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो सिंगल चाइल्ड का तो सिबलिंग वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको तो दूसरा प्रॉब्लम भी आ सकता है। आप एग्जाम फियर को कैसे हटाइएगा, दैट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके घर में जो टीचर आता है वो बच्चे को बहुत डांटता है, इसको आप कैसे हटाइएगा। थर्ड वन वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट आज के जमाने में, कि उसका जो बच्चा जो है उसके सामने अगर उसका मम्मी पापा दोनों झगड़ा कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो लोग फाइट कर रहे हैं इच अदर बच्चे के सामने, दैट ऑल्सो हार्ट द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छोटा बच्चे वो देख रहा है कि उसके मम्मी पापा दोनों आपस में डांट रहे हैं, बच्चा चौक जा रहा है बहुत आसानी से, एंड डिपेंड है ये जो एनालिसिस प्रॉब्लम है, ये एनालिसिस प्रॉब्लम किसको आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेंटल से ये कंडीशन को डेवलप होता है, बिकॉज मैंने क्या बोला इस केस में या मेरे डिस्क्रिप्शन में, 95% ऑफ द केस आर एनालिसिस, दैट इज साइकोलॉजिकल, 5% जहाँ पे आपको पैथोलॉजी मिल सकता है, एंड इन साइकेट्री आपको उतना खून जांच करने का मौका नहीं मिलेगा कि आप कोई ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं ये प्रॉब्लम इसके लिए इसको बीचने में हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी की भी थोड़ा सोचिए, होम्योपैथी में जब हम लोग देखते हैं पेरेंट्स डेथ हुआ उसके बाद एक तरीके का दवा तुक्के लिए हम बोल रहे हैं, मेरा बच्चे का जो कुछ मनी है पैसा है वो खो गया, लॉस हुआ, मेंटल शॉक हुआ, उसके बाद दूसरा तरीके का दवा। तो पेरेंट्स डेथ का जो जो दवा आपको मिलेगा, आपका पैसा बिजनेस में लॉस हो रहा है उसके लिए आपको वो दवा नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल वैसे बच्चों में अगर कोई बच्चा डर के मारे कुछ हो रहा है, फियर उसका भी एक जो एनरिस का कॉज है वो भी है, लेकिन दुख फियर दिस आर ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द इमोशंस, वो सब एक कैटेगरी में नहीं है, तो उसका मेडिसिन भी उस कैटेगरी से चेंज हो जाएगा। लेकिन बात है अगर मान लीजिए बच्चों में जो एनालिसिस हो रहा है, अगर वो सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, सिबलिंग राइवलरी नहीं है इस केस में, सिंगल चाइल्ड है, लेकिन वो बच्चा अगर एग्जाम में फियर है, छोटा छोटा बच्चा एग्जाम दे रहा है, सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मम्मी पापा दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कंटिन्यूअस, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, वो बच्चा शॉक तो मेंटल में आ रहा है। और एक तो बहुत गहरी और इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप सब भूल जाइए, बच्चे का कंडीशन भूल जाइए, छोटा बच्चा है भूल जाइए, आप थोड़ा सा माँ का प्रेगनेंसी के हिस्ट्री में चल जाइए, जब माँ प्रेग्नेंट थी कंटिन्यूअसली अंडर मेंटल टॉर्चर, तब बच्चा तो बोलता भी नहीं है, ये प्रेगनेंसी हिस्ट्री के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग जो नेक कॉर्ड पुलर्स पढ़ते हैं, हर एक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, आप उस केस में टोटल स्टैटिस्टिक्स में जाके अगर हम लोग बच्चे का कंडीशन में देखेंगे कि जब प्रेग्नेंट थी मदर, वो पूरा टाइम ही वो क्या माइंड साइकोलॉजिकल स्फीयर से वो गुजरा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग कभी पूछते ही नहीं है। अगर हम उसी चीज के माँ बोलेंगे नहीं हम तो बहुत पढ़ना चाहते थे आगे, लेकिन हमको पढ़ना नहीं दिया गया ससुराल से, मेरा पढ़ाई डूब गया, हम लाइफ में कुछ करना चाहते थे लेकिन मेरा ये जो ये आक्षेप कहाँ जाएगा, हस्बैंड बोल रहा है प्रेगनेंसी आ गया, वाइफ बोल रहा है पहला बच्चा है हम इसको रखना नहीं मतलब रखना चाहते हैं, हस्बैंड बोल रहा है कि मेरा तो कमाई अभी उतना नहीं है इस बच्चे को नहीं रखना है, तो पूरा जो प्रेगनेंसी पीरियड गया वो मेंटल शॉक पे गया, ये शॉक जो है ये माँ को भी जैसे इफेक्ट कर रहा है बच्चों को भी अंदर में इफेक्ट कर रहा है, और ये बच्चा जब पैदा होगा डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस लाइक एडीएचडी, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस लाइक ऑटिज्म, आप इस प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल सिम्टम बच्चा ही सब बोल देगा ऐसे जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि माँ का भी मेंटल सिम्टम बच्चों में जा सकता है। सो प्रेगनेंसी के दौरान क्या माँ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस हिस्ट्री को भी निकालना इस तरीके का केस में हमको लगता है, मेरे हिसाब से मेरे समझ से और साइकेट्री के समझ से मैंने जितना समझा हूँ होम्योपैथी में, ये बहुत जरूरी है केस टेकिंग, ये हड़बड़ाना से दवा दे देने से ना कोई सॉल्वेंशन नहीं होगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा, एक एक तो हिस्ट्री पूछना पड़ेगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। जब तक इस रास्ते पे हम लोग नहीं चलेंगे झटपट दवा दे देंगे, कोई भी इक्विजिटम, कोई भी सीपिया,
इस तरीके के केस को सॉल्व नहीं कर सकता है, आपको हिस्ट्री लेना जरूरी है, सिम्टम निकलना, दैट इज द आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, जो पीआरपी पे लिखा है, आर्ट ऑफ केस टेकिंग। आप कैसे बच्चों से सिम्टम निकाल सकते हैं, कैसे आप केस टेकिंग करेंगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होम्योपैथी। आपको यही चीज तो निकालना है, बच्चा के तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चा माँ तो बोल सकता है, बच्चा माँ को तो हिस्ट्री मिल सकता है, तो बच्चे का माँ तो कुछ बोल सकता है, बच्चे का माँ तो आपका कंडीशन हो सकता है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको लगता है प्रेगनेंसी के दौरान माँ का मेंटल क्या था, ये सब चीजों को हम लोग छोड़ना नहीं है, और यही चीज को केस टेकिंग से आपको निकलना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दैट इज द आर्ट ऑफ केस टेकिंग। सिम्टम तो बच्चा के नहीं बोल देगा ना, तो आपको निकलना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज द मेडिकल कॉलेज होल्ड फॉर, दैट इज द हम लोग जो सैलो के साथ खड़ा होकर रहते थे, सीखते थे क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर तो पूछ सकते, सर आपने ऐसा क्या बोला, लेकिन उसके पहले सर जाओ पहले केस टेकिंग करके लाओ। इसके बिना होम्योपैथी नहीं पॉसिबल है। वी हैव डिड दैट सर, प्रैक्टिकली नो दिस थिंग। ये हार्डवर्क इंटर्नशिप टाइम में, पीजी के टाइम में करना पड़ेगा, यही आर्ट को सीखना ही होम्योपैथी है। दैट इज फॉर ऑल फॉर मी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया अभिनंदन जी, और मैं समझता हूँ कि इसमें एजुकेशन के साथ साथ लोगों के अंदर में, एक स्टूडेंट्स के अंदर में ये जागरूकता होनी चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल आज बिल्कुल 26-15 अगस्त को हम लोगों ने आज अपने कॉलेज में आज फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं गया हुआ था, तो वहां पर भी मैं लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को यही कहा कि नॉलेज जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज तो आप कर सकते हो, लेकिन नॉलेज में स्पेशलाइजेशन होना, उसके लिए आपको परसिवरेंस होना जरूरी होता है, और परसिवरेंस अगर नहीं हुआ तो शायद आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप वहीं के वहीं स्टैटिक रह जाओगे। और कंटिन्यूड जो एजुकेशंस है, एजुकेशंस का यह मतलब नहीं है कि आज आप सीख गए तो आपका नॉलेज पूरा हो गया। एजुकेशन तो एवर लास्टिंग है, वो तो एक बीज जब बोया जाता है तो उसको निरंतर उसमें पानी देते रहना पड़ेगा, उसमें निरंतर ये करते रहना पड़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने डॉक्टर बने नहीं रह सकते। आप अपने को डॉक्टर तभी कह सकते हैं जबकि आपके अंदर में स्टूडेंटशिप जो है तो ज्यादा हो, है ना। बिल्कुल अगर सर, स्टूडेंटशिप नहीं हुआ तो आप डॉक्टर्स नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छा ये आपने बताया है, और इसी के साथ में मैं लगता हूँ कि हम लोग काफी इस पर चर्चा कर चुके हैं, और किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई चैट बॉक्स में कुछ तो नहीं है आज, लेकिन मुझे बहुत खुशी है दीपमाला जी कि आज इतने होने के बाद भी हम लोग आज 15 अगस्त होने के बाद, छुट्टी का दिन होने के बाद भी आज हम लोगों का अटेंडेंस बहुत ही नॉर्मल जैसा है, पहले के जैसा नहीं है कि घट जाता था लेकिन है। यानी कि मुझे लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रयास है हम लोगों का कि कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन में, उसमें रुचि लोगों की बढ़ती जा रही है और लोग समय पर आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि निरंतर, हाँ बहुत निरंतर इसमें आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को मुझे बार बार मैं कहते हैं सर कोई ऐसा लिंक बताइए जिससे कि हम डेली जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने इस बार से मैं कोशिश ये किया है कि उस पर जो लिख किया है, मैं आप जो देखे होंगे उसमें लिखा हुआ है, इसी लिंक से आप प्रतिदिन ज्वाइन कर सकते हैं और इसी लिंक से आप तीनों सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको बार बार खोजने का जरूरत नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपके मनपसंद के कोई स्पीकर्स हैं तो उस पर ज्वाइन कीजिए या इसमें ये कीजिए, ठीक है ना। तो और हाँ दीपमाला जी आप कुछ लगता है कहें। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और है। एक मैंने और भी पेशेंट देखा है जो कि 13-14 वर्ष के हैं, वो खुद भी इस गिल्ट में है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे बेड वेटिंग हो जा रहा है। मुझे फील होता है रात को, उनका ये कहना है कि मुझे फील होता है कि मैं बाथरूम में टॉयलेट कर रहा हूँ, बट वो बेड पे कर देता है। तो इसके लिए उसमें इंफीरियर फील आ रही है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा सर आप डिस्क्राइब करें, वो चाह अभिनंदन रहे कैसा हो रहा है। जी आप बोलेंगे सर, आप पहले बोलिए, नहीं हम बोलते हैं, आप पहले नहीं आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। सर हमको लगता है तो इसके लिए तो रिपोर्टेबल रूब्रिक भी आपको मिलेगा शायद, क्योंकि ये तो ड्रीम्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द बेड, और ये शायद ये रिपोर्टेबल रूब्रिक भी होगा, इसका ड्रग भी होगा शायद, और ये डायरेक्ट ड्रीम्स ऑफ यूरिनेशन जो है, ये जो सपना देखती है उसको जो लगता है, जो वो बेड पे यूरिन करती है रेपर्टरी में, अब जाके माइंड में जाके हमको लगता है ड्रीम्स में जाके ड्रीम्स ऑफ यूरिनेशन अगर आप देखेंगे उसमें इसका एक ड्रग का एक तो पॉइंट आ सकता है।
लेकिन मैं एक पॉइंट सेट से सीखा हूँ। हम एक बोलते हैं दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल मिल गया तो इस एक पॉइंट पे आप दवा दे सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी के एस्थेटिक में टोटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि एक सिम्टम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टोटल केस टेकिंग करके ही आपको पॉइंट पे दवा को मेडिसिन में पहुंचना है। हो सकता है उस एक सिम्टम में ऐसा दवा हो जो बहुत रेयर हो, हम उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे। केन ने बोला स्ट्रॉन्ग मेंटल यू हैव टू गिव द मेडिसिन, अगर आपके पास ऑप्शन है कुछ नहीं है तो स्ट्रॉन्ग मेंटल सब निकल सकते, एक ही सिम्टम काफी है, हजारों सिम्टम नहीं चाहिए। बट केस टेकिंग मतलब जितना हमने सेट से सीखा, जितना हमको समझ में आया, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल और प्रेजेंटिंग कंप्लेन, अब सबको मिला के आपको पूरा चीज को खड़ा करना है। एक पॉइंट पे जाके आप दवा नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप जो बोल रहे हैं ड्रीम सप्लीमेंटेशन, वो है रूब्रिक, रिपीटेटिव इस तरीके का रूब्रिक है, तो वो बेड पे कर रहा है, इसको ड्रीम आ रहा है, सपना आ रहा है, तो दैट्स कम इन द रूब्रिक। अब तो सर बोलेंगे आगे। आप सही हैं, बिल्कुल लेकिन एक बात से मैं डिफर करता हूँ कि सिंगल सिम्टम्स के विषय में जो आपने कहा कि एक लक्षण भी मिल जाता है, इस पर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर हेनिमैन का इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए, पेशेंट इज नेवर इंडिकेटेड बाई अ सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पिक्यूलियरली। अगर हमें इस तरह के कोई लक्षण मिलते हैं तो आप देखिएगा, आप थोड़ा सा पेशेंट और डीप टेस्ट टेकिंग में जाइएगा तो आपको लगेगा कि इसके अंदर में और भी इससे रिलेटेड सिम्टम्स है। तो मैं तो देख, मुझे भी कभी ऐसा आता है तो मैं उसमें और भी अध्ययन शुरू कर देता हूँ, देखना शुरू करता हूँ रोगी में तो उसके और उसके साथ में है। तो क्योंकि कोई भी लक्षण जब आता है तो उसका मतलब होता है कि उस लक्षण के साथ में उसका साथी भी आया है ना, अकेले बिल्कुल नहीं आता है, वो अपने साथ में और भी लक्षण को लेकर के आता है, इस बात हाँ को दिमाग में रखना चाहिए। तो लेकिन अगर आप एक लक्षण को लेकर के, आप अगर जैसे सिंगल रूब्रिक्स वाले सिम्टम्स वाले सिंगल मेडिसिन वाले भी रूब्रिक्स हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि ये जा रहा है तो आपको कभी कभी निराशा हो सकती है। जैसे बहुत सारे रिपोर्टरी में रूब्रिक्स हैं जहाँ के सिंगल मेडिसिन है, और इस सिंगल मेडिसिन से आप अगर ज्वाइन करेंगे, ये सिंगल मेडिसिन चलेंगे तो हो सकता है कि आप फेलियर्स हो, है ना, बिल्कुल वो अंदाजे वाली बात हो जाएगी। इसलिए एक बात का जरूर है कि अगर आपको एक लक्षण मिल गया तो उसका कंफर्मेटरी अदर सिम्टम्स लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। दीपाला जी, आप कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ ईच केस इज अ न्यू केस है, सारा केस सर, जो है सब न्यू केस है। हाँ डॉक्टर राम परवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है। हाँ थैंक यू डॉक्टर दीपमाला, और सर को प्रणाम और कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी जी को इस थैंक यू सर, स्वतंत्रता दिवस पर। बहुत अच्छा भाषा में, बहुत अच्छा ढंग से इस चीज को, एंडोसिस पर बात किए, और माइंड से लेके हार्ट तक, तो मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस माइंड है ना, इमोशनल है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है, इंसल्टी है। तो बच्चों में इस तरह का यदि स्कूल में हुआ, माँ के हुआ, एक पॉइंट जो आप बहुत अच्छा बोले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का थिंकिंग क्या है, माँ का थिंकिंग क्या है, इज अ वेरी गुड सिम्टम और वेरी गुड पॉलिसी एंड होम्योपैथी। तो इसके समय भी बहुत कम है, बहुत बहुत बधाई हो, और सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस का बधाई हो, और खास करके जो है दीपमाला हो, और जो है सभी को, सर को भी प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस का बधाई। थैंक यू अभिनंदन थैंक यू सर, जी, थैंक यू डॉक्टर अभिनंदन बनर्जी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम सबों के साथ शेयर जरूर करते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल जरूर। और बहुत कम है, फिर से आपको भी बहुत धन्यवाद। और हमें एक आखिरी में हम दो तीन शब्द बोलते हैं, पहले जिन्होंने हमको अभी सुना उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कि देखिए सर अभी अभी बात कर रहे थे, आपका लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन खत्म नहीं होना चाहिए। इतना एजेड होने के बाद भी सर ने हम लोग की बातें को पूरा सुन रहे थे, और उन्होंने बोला कि आपने ये पॉइंट, उन्होंने बारीकी से के पॉइंट को सुना और सर ने जिक्र किया, दैट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग, कि आज भी इस उम्र में भी उन्हें सीखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ एकदम आखिरी में, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेपर्टरी के रूब्रिक कन्वर्सेशन, मतलब कोई भी पेशेंट जो कुछ बोले उस एग्जैक्ट सेंटेंस को रूब्रिक पे बदलना है, कुछ भी रूब्रिक पे नहीं बदलना है,
ये तो मेरा तो बहुत आशीर्वाद है कि मैं डॉक्टर एम के साहनी सर के साथ हम 2 4 साल बिता चुके हैं। मेरा सौभाग्य है ये कि रूब्रिक को कुछ भी नहीं लेना है। जैसे सर हमके एग्जाम्पल देता था, एक पॉइंट था कि मेरा घुटनों में दर्द है, ये क्यों बोले अभिनंदन जी, हैं। सॉरी आप हम लोग आगे नहीं बढ़ हाँ सकते हैं, ठीक 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 थैंक यू सर, समय नेक्स्ट लेक्चर में का हम बोलेंगे सर। पाबंदी है। आप बिल्कुल सर, दीपमाला जी, बिल्कुल। आप हैंड ओवर कीजिए डॉक्टर दिनेश को। यस थैंक यू वेरी मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सो मैं डॉक्टर धनीश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।